जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी विचारधारा से संबंध रखता हूँ। मेरे साथ आशीष आनंद जी हैं और रोहित ठाकुर जी हैं, मोहित ठाकुर जी हैं। तो आज हम यहाँ सदर पुलिस स्टेशन में आए हैं। यहाँ आने का एक विशेष कारण ये रहा है कि जैसा कि आप सबको पता है, देश में एक विशेष तरीके का जो आंदोलन है, एक विशेष विचारधारा द्वारा चलाया जा रहा है। उन लोगों का काम देश में सांप्रदायिकता और सौहार्द को जो है तहस नहस करना है, चुनी हुई सरकारों को गिराना उनका काम है। तो इस तरीके से मीडिया, जो फेक मीडिया नरेटिव क्रिएट करके लोगों को बरगलाने का वो विचारधारा विशेष जो है काम करती है। इसी संदर्भ में आज हम हमारे माननीय लीडर ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है एक ट्विटर हैंडल के में जो है एक विशेष मुहिम चलाई जा रही थी, उसके खिलाफ यहाँ पे हमने आज जो है मुकदमा दायर किया है। इसमें उन्होंने सीधे तरीके से लोगों को उकसाने का काम करते हुए लिखा है कि जनता अभी शांत बैठी है और ये पप्पू जो है मजा ले रहा है। तो ये जो एक इस तरीके का नरेटिव मीडिया में तैयार किया जा रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी एलिगेशन जो है माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर लगाए गए हैं, उन सब का खंडन करते हुए आज हमने जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है यहाँ पे विभिन्न धाराओं के अंतर्गत यहाँ पे इस वक्त ट्विटर हैंडल के खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया है। कौन व्यक्ति है जिसके अंगेंस्ट आपने आज ये FIR करवाई? ये एक हैंडल है, कोई उसमें नाम कोई बताया नहीं गया है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कास्ट को आगे करके जो है ये हैंडल चलाया जा रहा है और एक नेता विशेष को जो है इसमें एक बार नहीं बार बार जो है उसमें टारगेट किया जा रहा है।